आज एक तरफ एसजीपीसी के प्रधान कृपाल सिंह विडुंगर एक मीटिंग कर रहे हैं, वहीं पंजाब में चुनाव बेशक संपन्न हो चुके हैं लेकिन सियासी गलियारा अभी भी बरकरार है। वहीं 1 फरवरी को डेरा सच्चा सौदा के मुखी बाबा राम हिम को और से अकाली दल को समर्थन देना और उसके बाद उस समर्थन को वापस लेना, ये दिल्ली में हो रही दिल्ली सिख मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर बहुत बड़ा असर डालने वाले हैं। वही श्रोमणी अकाली दल के पूर्व मंत्री और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व सेक्टर मंजीत सिंह कोलकाता के द्वारा श्रोमणी अकाली दल पर शब्द हमला किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा को माफी देना और उसकी माफी को वापस लेना कि श्रोमणी अकाली दल की पहले से ही चाल थी, क्योंकि जब ये पंजाब में चुनाव हार रहे थे तब उनकी ओर से डेरा का समर्थन लिया था और जब चुनाव खत्म हो गए तब सुर बदल गए और उनका समर्थन वापस दे दिया। अमृतसर से धर्मवीर गिल, लाली। इस वेले जी जेड़ा मेन इशू है वो यही है, जब किसी भी गुरुद्वारे च होएगा कभी भी कि गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है गुरुद्वारे दे विच, ते जे गुरु ग्रंथ साहब दा अपमान हो रहा है, जे गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हो रहा है, जे साडी मर्यादा मुताबक अकाल तख्त साहब सब तो उच्चा है, ते अकाल तख्त साहब तो हुक्मनामा भी होया है कि उन्हां नाल ती नहीं रखना, ते जिहड़े उन्हां नाल रखदे हैगे आ वो तो फिर अपने सिख नहीं कुआ सकते, वो गुरुद्वारा कमेटी नूं ते कोई अधिकार ही नहीं। इन्हां ने जिहड़ा हैगा ये 3 तरीक तक चुप, 4 तरीक तो चुप रहे। हाँ जी किया जी ते होर के देखो ना, 4 तरीक तक तो कोई बोले जहेदार, जहेदार नूं तो अखबारा जी आया कि जहेदार नूं इन्ने टेलीफोन गए, मैं भी किया, जहेदार ने टेलीफोन नहीं चुकया, दुनिया भर तो जहेदार टेलीफोन गए, प्रेस वाले ने किया, मीडिया वाले ने किया, सिंघां ने किए, अलग अलग कमेटियां ने किए, इन्हें टेलीफोन नहीं चुकया, 4 तरीक तो बाद इन्हें टेलीफोन चुकया। देखो जी अज तक किसी नूं जिउंदिया जी दिता ही नहीं गया है, टौड़ा साहब नूं भी जहेदार जी गुरचरण सिंह टौड़ा 30 साल रहे उन्होंने जिउंदिया जी नहीं दिता, उन्होंने पंथ रतन का जिहड़ा है उन्हां दी डैथ तो बाद है। टौड़ा साहब तो फिर आ गए सी, अकाल तख्त साहब भी आ गए, टौड़ा साहब हालांकि टौड़ा साहब प्रेम सिंह चंदू माजरे का इलैक्शन सी, प्रेम सिंह चंदू माजरे ने कहता कि जी उसे इन्हें सोचे कि कोई मीटिंग है, इन्हें जो निरंकारी देखे इन्हें उन्होंने कोई सरोपा नहीं लिया, कोई नहीं, उस वेले भज आए वापस ना उत्थे बोले आ गए वापस, पर चले तो गए ना, चाहे गलती ना चले गए, इन्होंने गल बना ली, बड़ी गल बना ली, तो टौड़ा साहब इतने हाजिर हो गए, एड़ी केड़ी गल हैगी है, जो गलती हुई है तो हाजिर हो, बिल्कुल होनी चाहिए जी, बिल्कुल क्यों नहीं होने चाहिए, ये तो कन्विक्ट होने चाहिए है। इन्हों तक वेदांती जी ने भी कि जान लग्या कह गया क्या कि तुम अपना ना अकाली चेंज कर लो, अकाली ना चेंज कर लो, तुम गुरुद्वारे दखल ना दो, सिखा दी संस्थावें तुम पोलीटिकल पार्टी रहो ना जी, पोलीटिकल पार्टी रहो, तुम की एतराज है किसी, आप पार्टी भी आ गई, कांग्रेस पार्टी भी आ गई, होर भी पार्टियां तुरिया फिर ने, कोई CPM है, कोई BSP है, कोई दूजी तीजी है पार्टियां ने, यह भी पार्टी बन जाए, कोई अकाली दल ना चेंज करे, जा अकाली दल पंथक लाइन एंडोर्स करे, अकाली ना, अकाली ना पूरा पंथक ना है, अकाली ना दा होर कोई अर्थ नहीं गा, अकाली ना दा अर्थ की है जी, मैं समझा दियो, जे आपां ना अकाली दल रखदे हां, अकाली का मतलब है जिहड़ा एक अकाल पुरख नूं मंनदा हैगा